दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अब टास्क फोर्स की सलाह पर राज्य सरकार ने 1 दिसंबर से 1 से 7 कक्षा के बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाने की अनुमति दी है। 1.5 साल से घर बैठकर उब चुके बच्चे भी 1 दिसंबर से स्कूल जाने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। अकोला जिले में 765 प्राथमिक शालाएं हैं। इन शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 1,08,438 है। अमरावती के 5 जिलों में अकोला ट्रैफिक पुलिस का कार्य अच्छा रहा। विभाग से मिली जानकारी अनुसार ट्रैफिक पुलिस ने 1 जनवरी 2021 से 25 नवंबर तक बीते 10 महीनों में 1,16,779 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 90,15,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए हैं। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर जी के मार्गदर्शन में ट्रैफिक पुलिस के प्रमुख विलास पाटिल जी तथा उनकी टीम ने यह कार्रवाई की। किसानों की सुविधा के लिए लागू की जा रही ड्रिप सिंचाई योजना के लिए सरकार ने अब सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया है। अब किसानों को 80% सब्सिडी दी जाएगी। पहले इस योजना के लिए 45-75% सब्सिडी दी जाती थी। राज्य सरकार की सरकारी दूध योजना के तहत बिक्री किए जाने वाले आर्य ब्रांड का दूध अब प्रति लीटर 1 रुपए और महंगा हो गया है। राज्य सरकार ने दूध की बिक्री दर में संशोधन करने को मंजूरी दी है। साथ ही दूध वितरकों का कमीशन भी बढ़ाया है। शुक्रवार को सरकार के दूध व्यवसाय विकास विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। महाराष्ट्र विधान परिषद में अकोला, बुलढाणा, वाशिम स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन 2021 के लिए निर्वाचन आयोग के निरीक्षक तथा सूचना व जनसंपर्क महासंचालय के सचिव तथा महासंचालक डॉक्टर दिलीप पांडरपट्टे जी ने शुक्रवार को अकोला के मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र एवं स्ट्रांग रूम का मौके पर जाकर जायजा लिया। अकोला मनपा के स्थायी सफाई कर्मचारियों की संख्या क्षेत्र के मुकाबले कम है, जिससे ठेका तत्वों पर सफाई कामगारों की नियुक्ति की गई है। इन ठेकों पर मनपा के हर महीने लाखों रुपए खर्च होते हैं और सफाई का कार्य भी प्रभावी तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए अब शहर की मुख्य सड़कों की सफाई अत्याधुनिक वाहनों के जरिए करने का नियोजन मनपा की ओर से किया जा रहा है। आगामी दिनों में स्वचालित तरीके से सफाई करने वाले वाहनों की खरीदी की जा सकती है। राज्य सरकार के निर्देश पर 30 नवंबर तक सभी नागरिकों को पहला डोज पूरा करने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। साथ ही आवश्यक सेवाओं के लिए वैक्सीन लाभ अनिवार्य किया गया है। कर्मचारियों को भी वैक्सीन नहीं तो वेतन नहीं के तहत वैक्सीन लेने के लिए बाध्य किया गया है। शुक्रवार को जिले में 15,272 नागरिकों ने टीका लगवाया। पंचायत समिति के सामने गांधी चौक, टावर चौक जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थान ऑटो रिक्शा चालकों के लिए पार्किंग जोन बन गए हैं। कुछ ऑटो रिक्शा चालक भर चौक पर खड़े रहते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। अन्य वाहन चालकों को वाहन चलाते समय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यातायात पुलिस इस समस्या को जल्द से जल्द दूर करे। अकोला मनपा क्षेत्र में पार्षदों की जिद की वजह से जगह जगह सार्वजनिक बोर खोदे गए हैं। बोर का आंकड़ा 3,200 के ऊपर पहुंच गया है, जिसमें से लगभग 900 सबमर्सिबल बिना मीटर डायरेक्ट चल रहे हैं। बिजली के इस अवैध इस्तेमाल पर महानगर पालिका का कोई नियंत्रण नहीं है। इस कारण महावितरण का लाखों का नुकसान हो रहा है। बासीटाकली थाना क्षेत्र के खड़कपुरा में रहने वाला एक व्यक्ति अवैध रूप से भांग बेच रहा था। पुलिस अधीक्षक के विशेष दस्ते को मिली सूचना के आधार पर छापामारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से गांजा का स्टॉक बरामद किया गया। आरोपी के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू, भांग की बिक्री के 7,000 रुपए नगद बरामद किए गए। दिव्य हिंदी न्यूज, हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हम लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश और दुनिया की आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से हमेशा अपडेटेड रहने के लिए अभी दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।